हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है ग्रुप ए और ग्रुप सी की वैकेंसीज के ऊपर जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है। जो ग्रुप ए की वैकेंसी है वो है आपकी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की। यहाँ पर 1 टोटल वैकेंसी निकाली गई है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की, ये वैकेंसीज हैं और ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। 50 ईयर जो है वो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट यहाँ रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी ग्रुप सी में है जूनियर टेक्नीशियन की। टोटल 40 वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं जूनियर टेक्नीशियन की। 40 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 15 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 6 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 11 वैकेंसी ओबीसी और 8 वैकेंसी जो है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। यहाँ पर इन वैकेंसीज में से 1 वैकेंसी जो है वो जूनियर टेक्नीशियन की रिजर्व है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंडर रखी गई है। इस तरह से टोटल जो है 40 वैकेंसी हैं जूनियर टेक्नीशियन की। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है आपकी 27 यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रखी गई है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, अगर आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास जो है एमई एमटेक होनी चाहिए रेलिवेंट ब्रांच में 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपका सीजीपीए जो है वो 55% से ज़्यादा होना चाहिए। 8 ईयर का जो है आपके पास रेगुलर सर्विस होनी चाहिए ग्रुप ए में, ग्रुप ए की पोस्ट के ऊपर, और 3 ईयर का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बी ई बी टेक है तब आपके पास जो है 10 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रुप ए पोस्ट के ऊपर, और 3 ईयर का जो है रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है जूनियर टेक्नीशियन की। इसके लिए 40 वैकेंसीज हैं, जिसमें सिविल में आपकी 3 वैकेंसीज है, सिविल स्ट्रीम में 3 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री में आपकी 3 हैं, कंप्यूटर साइंस में आपकी 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल में आपकी 11 वैकेंसीज हैं, ईसीई में 2 वैकेंसीज हैं, ईएनआई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 12 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में आपकी 2 वैकेंसीज हैं, बायोलॉजी लाइफ साइंस में 1 वैकेंसीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 1 वैकेंसीज हैं, बायोमेडिकल में 1 है, जूलॉजी में 1 है, फिजिक्स में आपकी 2 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल जो वैकेंसीज हैं आपकी जूनियर टेक्नीशियन की वो है आपकी 40 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, और ये सभी स्ट्रीम्स में ये वैकेंसीज निकाली गई है। जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस में रेलिवेंट ब्रांच में। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ, या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपने जो है ये एग्जामिनेशन क्लियर किया होना चाहिए। इसके अलावा 10th पास होने चाहिए, और 2 ईयर का जो है आपके पास आईटीआई होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ इक्विवेलेंट सीजीपीए के साथ, और 2 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आईटीआई कर रखे, तो सिविल में आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर में आपके पास जो है 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो है आपकी 27 यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 2 अप्रैल 2024। 2 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। ऑनलाइन मोड से आपने जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर वो है आपकी 500 रुपीज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। 500 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तब अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।